हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. वेलकम टू अन अकेडमी यूपीएससी. माय नेम इज निधि. आई होप आप सभी अपने घरों पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं. क्विकली लेट मी नो कि आपको मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है. कैन यू हियर मी प्रॉपरली? जल्दी से गिव मी अ थम्स अप एंड देन विल स्टार्ट विद द सेशन. क्विकली कैन यू ऑल गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन बिगिन. सो गाइज, आज हम करने वाले हैं मिशन आईएएस 2022 के अंडर ही अगला टॉपिक, कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स, संरक्षण के प्रयास जो किए गए हैं भारत में, इन इंडिया. कॉन्जर्वेशन किसका? ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स. इसमें जो स्पेसिफिक, अब इसमें बहुत सारे कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली दो या तीन करेंगे यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद कुछ हम नेक्स्ट लेसन में भी करेंगे या फिर वी विल टेक अप. ओके ओके मानसी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ठीक है, ऑल राइट. तो ये होंगे इंडियन कंजर्वेशन एफर्ट्स. इंडिया में क्या क्या किया गया है, इंडियन पॉलिसीज एक्ट हम पढ़ रहे थे, है ना. उसके बाद आज हम संरक्षण के प्रयास जो किए गए हैं अलग अलग स्तर पे, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित आज की क्लास हमारी होने वाली है. सो क्या क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या डाले हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि काफी न्यूज में रहा है. देन वी हैव प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में रहा है. एंड प्रोजेक्ट वल्चर, ये भी स्पीशीज इन न्यूज की कैटेगरी में काफी ज्यादा रहा है. सो दीज आर ऑल दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ये प्राइमरली हम ये तीन टॉपिक्स आज कवर करेंगे आज के सेशन में, दी कंजर्वेशन एफर्ट्स. इसके अलावा आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि जो भी स्पीशीज वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स, जो भी स्पीशीज न्यूज में है, इन न्यूज है, उनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है एग्जाम परस्पेक्टिव से. हमको सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारा पढ़ के कितना सारा पढ़ोगे ना, बहुत सारा है, नहीं पढ़ना है. लेकिन जो न्यूज में है, जो चर्चाओं में है, उनके बारे में हमें पढ़ना है. तो इस आज की क्लास में विल बी डूइंग दीज थ्री. ठीक है, उसके बाद आई विल बी सून हैविंग, प्रोबेबली आई विल हैव अ क्लास टुमारो ऑन अन अकेडमी ऐप. अबाउट स्पीशीज इन न्यूज. ठीक है, ये क्लास हो सकता है कल हमारी यहां पे ना होके, विल हैव अ क्लास टुमारो देयर एट प्रोबेबली 8 PM. तो आई विल शेड्यूल दी क्लास एंड लेट यू नो. मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना सब लोग. दीज आर दी टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दैट आई वुड वॉन्ट एवरीबडी टू अटेंड. कल ये जरूर अटेंड कीजिएगा बच्चों क्लास. इसी के साथ 8 बजे का सेशन कल यहां ना करके आई विल बी डूइंग ऑन ऐप. आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, ऑन ऐप हो सकता है. इन दोनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जाके एनरोल कीजिए. अगर आप नए हैं, पहली बार जाएंगे, उस लिंक को जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड पर, डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, तो आपसे एक्सेस कोड मांगा जाएगा लॉगिन के बाद. इस एक्सेस कोड के साथ इट विल बी अ फ्री क्लास, फ्री अवेलेबल कर सकते हो. दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट. लोकेश, आई हैव बीन डूइंग लक्ष्मीकांत ऑलरेडी. मेरा एक सेशन चल रहा है 1 बजे, विच इज अगेन अ फ्री क्लास. ठीक है गाइज, मेगा कॉम्बैट बहुत ज्यादा इस बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार एंडी लाइफ 10, इस बार जो रेंज है, स्कॉलरशिप रेंज है, वो फर्स्ट रैंक से लेके 3000 रैंक तक होगी. स्कॉलरशिप जीत सकते हो आप अलग अलग, ऑल राइट. साथ में 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स विल गेट दीज प्राइजेस. यू कैन गेट दीज प्राइजेस ऑल्सो, iPad, HP लैपटॉप, किंडल, फिटबिट, अमेजन वाउचर्स. करना क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके उसको एनरोल करना है मेरे कोड के साथ. दिस इज दी कोड ND Life 10. एनुअल प्राइज हाइक केवल 2 दिन बचे हैं. गो, 16 दिसंबर से प्राइज हाइक हो जाएगा. ऑलरेडी 9 दिसंबर को हो चुका है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर, 3000 रुपये और बढ़ जाएगा. डू नॉट डिले. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर सब्सक्रिप्शन, गो फॉर इट नाउ गाइज. द कोड इज ND Life 10. GS Plus पे भी इंक्रीज हो जाएगा प्राइस. नाउ इट इज 50,000, विल बी 52,000.
on 16 December onwards, and then mega price hike is also coming. The code you have to remember is NDLIFE10, 16 tarikh tak. चलिए, ये मेरा प्रोफाइल है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप मुझे यहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए. टेलीग्राम पे आपको सारी क्लास की अपडेट्स मिल जाएंगी. दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैड, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है. चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है. होमवर्क भी होगा इसमें आपको कुछ. एम आई विजिबल प्रॉपरली? Is the video clear to everybody? I hope the video and audio are clear, guys. Yes. Yes, Lokesh. Rose Polity class 1 baje hoti hai an academy platform par. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. चलिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट की घटती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए सरकार को एक स्पेशल इनिशिएटिव लेना पड़ा जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि प्रोजेक्ट को कंजर्व किया जा सके. व्हाट वर दी मेन इश्यूज विद दिस, इसके बारे में बात करेंगे. व्हाट आर दी कंसर्न्स, इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहली बात है, पोटेंशियल एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का, जो कि एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ना केवल इंडिया में, बाकी कहीं और बाकी जगहों पर भी, जिन कंट्रीज में भी टाइगर मिलता है. लेकिन फिर भी इंडियन टाइगर्स, पेंथेरा टिग्रिस, ये एक हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी में आता है. ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं ना, देयर इज अ वेरिएशन इन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, द फॉल एंड राइज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया इज एन इंडेक्स टू द एक्सटेंड एंड नेचर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स. तो जैसे जैसे हमने देखा ना, प्रोजेक्ट टाइगर लगा है, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि टाइगर का नंबर हैज बीन इंक्रीजिंग, बढ़ाव देखा गया उसमें, बढ़ता हुआ देखा गया. तो फॉल एंड राइज दोनों को ही इंश्योर कर, दोनों ही चीजों से पता लगता है कि कंजर्वेशन एफर्ट्स की आवश्यकता है, और कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने के बाद कैसे नंबर हैज इंक्रीज. नाउ होमवर्क टू यू, फॉर ऑल ऑफ यू इज, यू हैव टू गिव मी द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया एट प्रेजेंट आफ्टर द क्लास. टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया after the class in the comment section, and you have to tell me the first tiger reserve and the latest tiger reserve. beta main hindi mein bolne ki koshish to kar rahi hu, muskan kya karna hai aapko. first tiger reserve kaun sa tha desh mein, chalo first mein batati hu. first was jim corbett national park, theek hai, wo tiger reserve pehla, sabse pehla tha. uske baad which is the latest one and how many number of tiger reserves do we have in the country. do teen important cheeze, kya kya question, I'll write, give you the question guys. ye aapko answer karna hai, number of tiger reserves, first and latest tiger reserve in india. theek hai, teesra is a स्टेट विद हाइएस्ट टाइगर रिजर्व. ये तीन क्वेश्चन आप मुझे क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है. यू विल गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट्स में बताना है क्लास खत्म होने के बाद. नो सौम्या, द नंबर हैज इंक्रीज्ड, द नंबर हैज इंक्रीज्ड. Give me the exact number after the class in the comment section. Go search it. चलो, तो हमने protected area network देखा था, हमने देखा था कि protected area, national park, wildlife sanctuary या फिर biosphere reserve के लिए notify कौन करता है, इन सब के लिए notify करता है. All right, I'll do that line. State government notify करेगी on the recommendation of NTCA, National Tiger Conservation Authority के रिकमेंडेशन पर राज्य सरकारें, किसी भी राज्य की सरकार जहां पे टाइगर रिजर्व घोषित करना है, वो नोटिफाई करेगी ऐसे एरिया को जिसको नोटिफाई किया जाएगा एज टाइगर रिजर्व. राज्य में कोई ऐसा सीमित क्षेत्र, वो किसी यू नो नेशनल पार्क में हो सकता है, वो किसी बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकता है. बट आफ्टर द क्लास यू हैव टू टेल मी, डोंट राइट द आंसर्स नाउ.
ठीक है, एनटीसीए के रिकमेंडेशन पर स्टेट गवर्नमेंट, किसी राज्य की सरकारें किसी एक एरिया को नोटिफाई करेंगी एज टाइगर रिजर्व्स। ऑलराइट, ऐसे होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें दे विल बी अ कोर एरिया, एक कोर एरिया होगा जहां पे, कोर एरिया क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहां पे अलाउड नहीं होता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बफर एरिया भी होगा। इट विल हैव अ बफर एरिया, इट कैन हैव रेवेन्यू लैंड ऑल्सो, करेक्ट, इट कैन हैव फॉरेस्ट लैंड ऑल्सो, इट कैन हैव फिशरीज ऑल्सो, इसके बाहर लेकिन आउटसाइड द टाइगर रिजर्व। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉफी टी एस्टेट, माइनिंग, इस तरह की सभी चीजें मिलेंगी, लेकिन देयर विल बी अ कोर एरिया जो कि अनडिस्टर्ब्ड एरिया होगा। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व के अंदर आएगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे ये सारी चीजें हो सकती हैं उसको नोटिफाई किया जाएगा एक टाइगर रिजर्व, किसी भी राज्य का, राज्य सरकार के द्वारा, किसके रिकमेंडेशन पर, किसके रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए। ठीक है, ये एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया हैड अबाउट 40,000 टाइगर्स इन 1900। भारत में 1900 वर्ष में 40,000 टाइगर्स की पॉपुलेशन थी, जो घटके 1800 रह गई। 40,000 से द नंबर केम डाउन टू 1800, तो इट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी इन 1972। 1972 की हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने का निर्णय लिया। प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। राज्य नोटिफाई कर रहा है तो सेंट्रली दे था, टू टाइप ऑफ स्कीम्स बच्चों, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें केंद्र सरकार, सेंटर एंड स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ रेशो, लाइक सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 50% स्टेट करेगा। कुछ हिल एरियाज या कुछ टफ एरियाज जो है वहां पे सेंटर कैन स्पॉन्सर 90% ऑफ द फंड्स एंड स्टेट विल स्पॉन्सर 10%। कुछ यूटीज में भी इस तरह से हो सकता है, इट कैन बी 70-30 ऑल्सो। तो स्पॉन्सर्ड क्या हुआ, स्पॉन्सर करना, फाइनेंसिस, फंड्स देना, स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पे केंद्र स्पॉन्सर करता है राज्यों के साथ मिलके, करना किसने होता है, राज्यों ने करना होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो केंद्र द्वारा ही स्पॉन्सर्ड होती हैं, 100% फंडिंग फ्रॉम सेंट। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो लॉन्च होते हैं ना बच्चों, सीधी सी बात है, हम जब वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो अलग अलग राज्यों में होंगे अलग अलग तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, वाइल्ड एनिमल्स, तो उन राज्यों का भी एक रोल है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जनरली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर आते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, 1973 में, जब हमने डिक्लाइन देखा इन दी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर एवरी वन टिल नाउ? चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या उद्देश्य थे? भाई सीधी सी बात है, क्या उद्देश्य हो सकता है, जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, तो क्या उद्देश्य होगा? उद्देश्य होगा ये मेंटेन करना, टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। जितनी भी पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना, कैसे, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल वैल्यू के साथ, मतलब लॉजिकल, सही तरीके से, ऐसा नहीं रैंडम बोल दिया भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, ऐसे मेजर्स उठाना जो साइंटिफिक हो, इकोनॉमिक भी हो, ज्यादा एक्सट्रीम फंडिंग ना जाए, सही तरीके से जाए, उनकी वैल्यू को रियलाइज करना, एस्थेटिक, उनकी जो महत्वता है हमारे इकोसिस्टम्स में, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे कंट्री में, टाइगर्स उनका एक एस्थेटिक वैल्यू है, ब्यूटिफुल, दे लुक ब्यूटिफुल, एस्थेटिक होता है बेटा जो विच एड वैल्यू, उनके होने से वैल्यू एड होती है। ठीक है, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हैं, इनको मेंटेन करना, साथ में टू प्रिजर्व फॉर ऑल टाइम द एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज नेशनल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट, एजुकेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। साथ में ऐसे एरियाज को भी हमेशा के लिए प्रिजर्व करना जिनकी ना केवल जैविक महत्ता है, बट ऑल्सो दे हैव
टाइगर इज अ नेशनल एनिमल. यस, तो एक नेशनल हेरिटेज की तरह भी उन जगहों को प्रिजर्व करना, कंजर्व करना किसके लिए, बेनिफिट के लिए, किस तरह के एजुकेशन और लोगों के रिक्रिएशन के लिए. आपने देखा होगा बहुत सारी जंगल सफारीज होती हैं टूरिज्म के लिए, इन सब चीजों के लिए इन एरियाज को रिजर्व करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के. और मेन एम क्या थे, किस एम के साथ टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. जो भी खतरे में है स्पीशीज प्रजातियां, उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, संरक्षित करना. साथ में जो भी ट्राइबल पीपल हैं, जो भी लोग वहां रहते हैं उस एरिया में रहते हैं वो, और उनके साथ भी एक बैलेंस, एक हार्मोनाइजेशन या एक एक बैलेंस अप्रोच अपनाना कि वो लोगों को भी ना छोड़ के जाना पड़े अपने हैबिटेट को, अपनी जगहों को, जो कि वहां के इंडिजिनियस लोग हैं. और साथ में टाइगर रिजर्व को भी, मतलब टाइगर को भी प्रोटेक्ट करना. तो टाइगर रिजर्व्स आर नॉट ओनली, यस द मेन एम इज टू प्रिजर्व, कंजर्व द एंडेंजर्ड स्पीशीज, यस, बट एट द सेम टाइम एक बैलेंस अप्रोच के साथ कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी अपनी राइट्स, जो उनकी राइट्स हैं उन जंगलों पर, उनका वो भी इस्तेमाल कर सके. तो एक तरह से सस्टेनेबल यूसेज, एक बैलेंस अप्रोच बिटवीन ह्यूमन एंड द एनिमल्स, ये भी इंश्योर करना. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनटीसीए. एनटीसीए से क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बनता है. हां जी बेटा, आईयूसीएन अलग से पढ़ाऊंगी, वो स्पीशीज इज न्यूज में पढ़ाऊंगी. आईयूसीएन की सारी स्पीशीज नहीं पढ़ सकते, लेकिन स्पीशीज इन न्यूज में और उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, डब्ल्यूपीए स्टेटस क्या है, वो पढ़ेंगे. डोंट वरी, दैट वी विल स्टडी. चलो, एनटीसीए क्या है, एनटीसी अब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में. ठीक है, एट प्रेजेंट एनटीसीए रिकमेंड करता है राज्यों को कि आप टाइगर रिजर्व घोषित कीजिए किसी एरिया को, लेकिन एनटीसीए एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में, लगभग कितने साल बाद, 27-28 साल बाद, फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स. एक टाइगर टास्क फोर्स गठित किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री जो थे, पीएम ने कॉन्स्टिट्यूट किया था टीटीएफ टाइगर टास्क फोर्स, उसके रिकमेंडेशन पे एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी गठित की गई, स्टैब्लिश की गई, करेक्ट, ऑफ इंडिया फॉर रिकॉग्नाइज मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च हो गया है उसका सही तरीके से रिऑर्गेनाइज करके मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए, एंड द मेनी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. तो प्रोजेक्ट टाइगर को भी दोबारा से एक स्पीड देने के लिए, साथ में जो भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर थे, रिकॉग्नाइज थे, या जिनको भी डिक्लेयर किया गया उनको भी ध्यान रखना. ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अमेंड किया गया था 2006 में टू प्रोवाइड इट फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाने के लिए 2005 में स्टैब्लिश की गई. उसके बारे में वो क्या करेगी, कैसे काम करेगी, उसमें कौन अथॉरिटी होगी, उसका क्या रोल होगा, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए WPA 1972 वॉज अमेंडेड. समडे समबडी वॉज आस्किंग मी अबाउट द अमेंडमेंट और मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था बिकॉज आई न्यू कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. तो 2006 में अमेंडमेंट करके NTCA के बारे में डिटेल इस एक्ट में दी गई. ठीक है, NTCA रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड टाइगर्स. इसकी जिम्मेदारी क्या है, क्या उत्तरदायित्व है, कि ये प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करे ताकि हम संरक्षित या बचाव कर सकते हैं जो एंडेंजर्ड टाइगर्स हैं हमारे, जो खतरे में हैं. इट इज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. चेयरमैनशिप किसके पास होती है एनटीसीए की, हु इज द चेयरपर्सन, चेयरमैनशिप होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट. ठीक है, एनटीसीए में कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है एनटीसीए में बच्चों, एनीबडी हैज एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू एनटीसीए. गाइज ऑल्सो लाइक दी सेशन, नो प्लीज लाइक दी सेशन. चलिए परफेक्ट, अब इसके फंक्शंस क्या है, ये फंक्शंस वगैरह कहां से दिए गए, अमेंडमेंट करके, जो अमेंडमेंट हुआ है. ठीक है,
WPA 1972 में 2006 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके द्वारा इनके फंक्शंस लागू और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. सो इट लेज डाउन द नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क्स सेंचुरीज. तो ये क्या करता है, ये नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस ले डाउन करता है, बताता है टाइगर को संरक्षित करने के कहां पर, टाइगर रिजर्व्स में, नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, जहां पर भी इनकी पॉपुलेशन है वहां पे कंजर्वेशन करना है. साथ में इंफॉर्मेशन देता है प्रोटेक्शन मेजर्स पे, सुरक्षा के जो भी मेजर्स हैं जो लिए जाने हैं उसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अथॉरिटीज को. साथ में फैसिलिटेट करता है एंड सपोर्ट, मतलब अपनी तरफ से पूरी असिस्टेंस देता है, सपोर्ट देता है टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट में किसी भी राज्य में कैसे, थ्रू इको डेवलपमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ, कि कैसे हम उसके जो भी एरिया है उसका इकोलॉजिकली उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, ये सपोर्ट देता है राज्यों को. और साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, कि हाउ आर पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू दिस. जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हु आर द वंस हु आर किलिंग टाइगर्स, उनका शिकार होता है फॉर लॉट ऑफ रीजंस, अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं ना. तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंश्योर्ड अंडर दिस NTCA. ठीक है, चलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में, तो इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया हुआ है नेपाल के साथ. इंडिया ने एक MOU साइन किया है नेपाल के साथ, क्या करने के लिए, ऑन कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, कि किसी तरह का इंटरनेशनल बाउंड्री में भारत से नेपाल आसपास की कंट्रीज में, मतलब इंटरनेशनल यहाँ पे MOU नेपाल के साथ है, कि नेपाल के साथ ये हो कि नेपाल और भारत दोनों साथ में मिलकर काम करें, ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड ना हो किसी भी वाइल्ड लाइफ या उसके संरक्षण के लिए भी ना, तो क्या हो ट्रेडिंग भी ना हो और साथ में उसको कंजर्व भी किया जाए, प्रोटेक्ट भी किया जाए, अपार्ट फ्रॉम अ प्रोटोकॉल ऑन टाइगर कंजर्वेशन विद चाइना. इसके साथ साथ एक MOU तो हुआ है, किस लिए, इलीगल ट्रेड के अगेंस्ट, किसके साथ हुआ है, नेपाल के साथ. इसके साथ साथ एक प्रोटोकॉल भी साइन किया है टाइगर कंजर्वेशन को लेकर चाइना के साथ. तो ये इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं. इसी के साथ साथ द प्रोसेस इज ऑन फॉर बायलेटरल प्रोटोकॉल विद बांग्लादेश भूटान एंड म्यांमार. इसी के साथ साथ एक प्रक्रिया चल भी रही है जिसमें एक फिर अगेन प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किया जाएगा, कि अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश की जाएगी विद बांग्लादेश भूटान एंड म्यांमार, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है. तो दी टाइगर्स और दी वाइल्ड एनिमल्स और दीज स्पीशीज दे डोंट नो दी बाउंड्रीज ना, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन बाउंड्री टू वन कंट्री टू अनदर. फिर यहाँ पर ये सब है भी, पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, प्लस इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए. हाँ जी, इसी तरह से बिल्कुल. तो बांग्लादेश भूटान और म्यांमार के साथ भी प्रोसेस चल रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हो. इसी के साथ साथ GTF ग्लोबल टाइगर फोरम, जहां पे भी जिस भी जिन भी देशों में, विश्व भर के जिन भी देशों में टाइगर पाए जाते हैं या टाइगर की प्रजाति पाई जाती है, उनके साथ एक फोरम स्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है टाइगर रेंज कंट्रीज विच हैज बीन क्रिएटेड फॉर एड्रेसिंग इंटरनेशनल इश्यूज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाइगर को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं. GTF के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज है. अगर करंट पॉपुलेशन की बात की जाए टाइगर की, तो इट इज 2967 विद द लेटेस्ट डेटा. 2967 है जो आया, जो भी लेटेस्ट डेटा आया है. मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, कर्नाटका है नंबर टू एंड उत्तराखंड इज ऑन नंबर थ्री, बट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इज इन, व्हाट इज डेंसिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज पर स्क्वायर किलोमीटर, हाईएस्ट डेंसिटी इज विद उत्तराखंड में, ठीक है. चलिए इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट. प्रोजेक्ट टाइगर में ये चीजें मिनिमम नीडेड हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा जो भी करंट में, हाँ जी बिल्कुल राजकुमारी, इससे पहले हो जाएगा बेटा, मानसी इससे पहले हो जाएगा, डोंट वरी. जितनी चीजें चाहिए वो हो गई हैं. इसके अलावा और जो रीसेंट चेंजेस आ रहे हैं, कुछ न्यूज में आ रहे हैं, न्यूज एंड आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रख के पढ़ना है.
ठीक है, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा इसको रेगुलर बेसिस पे. डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी द आंसर्स ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1992 में, 1992 में, एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अगेन ये भी क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आई होप आप सबको समझ में आ गया है. डू यू गाइज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम नाउ? दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है बच्चों? एवरीबडी इन द क्लास, आई होप एवरीबडी नोज. गाइज प्लीज 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 लाइक द सेशंस, सेशन को लाइक भी करते रहो. गुड, चलो क्या करना है, क्या उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट एलिफेंट का? इसका उद्देश्य है टू असिस्ट स्टेट्स हैविंग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स. जिन भी राज्यों में फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है, मुस्कान आफ्टर दी क्लास, उन सभी राज्यों में जिसमें फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है वाइल्ड एलिफेंट्स की, उनके लिए एंड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाइड वायबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. प्लस ये भी इंश्योर करना कि जो भी जहां पर भी नेचुरल हैबिटेट में जहां पर भी एलिफेंट मिलते हैं वहां पर उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो. और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं इंडिया में जहां पे ब्रूटल किलिंग देखी गई है एलिफेंट्स की, तो ये काफी न्यूज में रहता है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट. मैंने वही प्रोजेक्ट चुने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. प्रोजेक्ट इज बींग मेनली इंप्लीमेंटेड इन 13 स्टेट्स. तो हमने देखा उन राज्यों में जहां पे पॉपुलेशन अवेलेबल है टाइगर एलिफेंट्स की, सॉरी, जहां पे हाथी देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा या उनकी वायबल पॉपुलेशन है या फ्री पॉपुलेशन है वाइल्ड वाइल्ड में, तो वो 13 राज्य आइडेंटिफाई के राज्य और यूटीज हैं जिनमें प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया. कौन कौन से राज्य हैं बच्चों? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराचल, उत्तराखंड, एक्चुअली इट्स उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. तो दीज आर दी 13 स्टेट्स. ऑब्वियसली हमने स्टेट स्पेसिफिक था ना ये, तो ये वो 13 स्टेट या यूटीज हैं जहां पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है मेनली. लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सपोर्ट दिया जा रहा है राज्य सरकारों को टू प्रिजर्व, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट दी यू नो एलिफेंट्स. आई एम सॉरी अगर मैं टाइगर बोल रही हूँ तो यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा है, इट इज एलिफेंट्स. प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए इनिशियली काम कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? 13 स्टेट्स में. ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ? 1992 से स्टार्ट हुआ. लेकिन इन 13 स्टेट्स में फ्री पॉपुलेशन है इसका मतलब एलिफेंट्स की. बट इसके साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी सपोर्ट दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी पॉपुलेशन समय समय पर देखी जाती है, तो सरकारों को सपोर्ट किया जाता है अंडर द प्रोजेक्ट एलिफेंट. ठीक है, चलिए. स्टेट्स आर बीइंग गिवन फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस. इस प्रोजेक्ट के अंडर राज्यों को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है ताकि वो अपना जो भी इसके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर सके. इसके साथ साथ हेल्प इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अदर स्टेट्स. ये तो वो स्टेट्स हैं 13 स्टेट जो हमने आइडेंटिफाई किए प्लस टू अदर स्टेट्स. दो अदर स्टेट्स भी हैं जहां पर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है. तो इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर, इन सभी राज्यों को टेक्निकल असिस्टेंट और फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है. लेकिन इसके साथ साथ कुछ और राज्य जहां पर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन देखी जाती है एलिफेंट्स की, उनको भी मदद दी जाती है. किसके लिए? सेंसस के लिए, उनकी पॉपुलेशन डेटा कलेक्शन के लिए, जो उनका फील्ड स्टाफ है जहां पे ये मिलते हैं, है ना, उनकी ट्रेनिंग के लिए, साथ में मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट. तो जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पर भी एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, जैसा कि हम देखते हैं, जो हमें देखने को मिलता भी है. दो तीन केसेस ऐसे आए हैं ना. आई वुड वॉन्ट यू टू गिव मी दी आंसर्स देयर. वैसे हम इसको करंट में कवर करने की कोशिश करेंगे. नाउ उद्देश्य क्या है? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स. तीन चीजें हैं यहां पर. पहली, सुरक्षित करना एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट को सुरक्षित करना, प्लस कॉरिडोर. कॉरिडोर क्या होता है? कॉरिडोर होता है उनका पैसेज, रास्ता, उसको प्रिजर्व करना. टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. सबसे ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एलिफेंट के साथ होता है, बिकॉज एलिफेंट इज फ्री मूविंग
एनिमल, और वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अब एक्सक्यूज मी, हमारे देश में कितने सारे ऐसे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहां पे हाईवेज बने हुए, स्टेट और नेशनल हाईवेज बने हुए है ना। तो अगर आप जंगल के बीच में, इधर भी जंगल है सपोज कीजिए, इसके बीच में से आपने एक हाईवे निकाल दिया, दिस इज ऑल्सो फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो फॉरेस्ट, तो हाथी निकलेगा तो ये उसका निकलने का रास्ता हो गया ना, वो शिफ्ट करेगा। यहाँ पे गाड़ियां जा रही हैं, अभी इतना बड़ा प्राणी होता है कि गाड़ियों को उलट सकता है, जिससे बहुत ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, बिकॉज वी आर इनक्रोचिंग देयर स्पेसेस। हमने जंगलों को कटान करके उसमें रोडवेज बनाई है, उसमें नेशनल हाईवेज बनाए। जंगल मतलब एनिमल जंगल से बाहर नहीं आया है, हम जंगल में घुसे तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। अगर हमारे घर में कोई आएगा तो हम उसको बाहर धकेलने की कोशिश करेंगे ना, यही हुआ। इसको भी एड्रेस करना होता है। उसके साथ साथ जितने भी डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट भी किया जाता है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ स्टेट्स इन साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे बहुत सारे फेस्टिवल्स में, बहुत सारी यात्राओं में एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको डोमेस्टिकेट भी किया जाता है। तो उन डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है इन प्रोजेक्ट एलिफेंट, टू प्रिजर्व देम, टू यू नो उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनको ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो, गलत व्यवहार हो रहा हो। ऑलराइट, ये तीनों इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट टाइगर हियर। प्रोजेक्ट एलिफेंट में तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमन इज इन्वॉल्व, कॉरिडोर्स हो या कॉन्फ्लिक्ट हो या डोमेस्टिकेशन हो, क्योंकि एलिफेंट्स कैन बी डोमेस्टिकेटेड इजीली। ठीक है, चलिए, इसका एम क्या है? इसका मेन एम है इकोलॉजिकल रिस्टोरिंग द नेचुरल हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट्स ऑफ एलिफेंट्स। ये इंश्योर करना कि इकोलॉजिकली पर्यावरणीय पारितंत्रीय तरीके से उनके नेचुरल हैबिटेट को रिस्टोर करना, जो उनका घर है उसको बचाना, रिस्टोर करना, प्राकृतिक जो घर है उनका, और साथ में जो उनके जो भी रूट्स हैं जहां वो ट्रैवल करते हैं, वो फ्रॉम वन जंगल टू अनदर जंगल जाएंगे, तो उनके जो भी माइग्रेटरी रूट्स हैं उनको भी रिस्टोर करना। ठीक है, साथ में मिटिगेशन ऑफ द इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैन एंड एलिफेंट्स। जितना ज्यादा एलिफेंट्स ट्रैवल करते हैं तो हमने हाईवेज बना दिए तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसको कैसे हम इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिटिगेट, कैसे कम कर सकते हैं? इन इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स एंड मॉडरेटिंग द प्रेशर ऑन ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक स्टॉक एक्टिविटीज इन इंपॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटेट। साथ में उन जहां पर भी एलिफेंट्स हैं या उनका झुंड है, देखा जाता है ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर ये इंश्योर करना कि उसको मॉडरेट करें, कम किया जाए ह्यूमन प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। साथ में जो भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं उनको भी मॉडरेट किया जाए, कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर सके। क्योंकि जनरली लोग डरते नहीं है ना एलिफेंट से, डरेंगे नहीं तो आराम से जाके अपनी जो भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज करनी है वो भी कर लेंगे, और यू नो उनके हैबिटेट को खत्म भी करते रहेंगे क्योंकि डर नहीं है। अब टाइगर के उसमें तो इंक्रोच नहीं कर सकते क्योंकि टाइगर तो खा जाएगा काट के, ये नहीं करेगा ऐसा जब तक वो गुस्से में नहीं है, इट्स बेसिकली अ वेरी काम एनिमल। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है इनके हैबिटेट में, तो इसको मिटिगेट करना, इसको कम करना। साथ में रिसर्चिंग ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एलिफेंट्स एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं जो कि एलिफेंट से संबंधित हैं, और साथ में लोगों में जागरूकता फैलाना और एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करना टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, टू मिटिगेट दी यू नो हाँ टू मिटिगेट दी कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लोगों में जागरूकता। अभी वो कौन सी मूवी आई थी, देयर वाज दिस मूवी ना शेरनी करके, वहां पे वो शेर दिखाया था पर उस जंगल में एलिफेंट्स भी थे, तो शेर के लिए तो आप बचाव के लिए बहुत कुछ करोगे, पर कैसे द कम्युनिटीज हैव टू टेक पार्ट इन दिस, है ना। इसके अलावा इको डेवलपमेंट एंड वेटनरी केयर ऑफ दी एलिफेंट्स, उनके लिए इकोलॉजी को डेवलप करना, जहां पे वो रहते हैं उस पारितंत्र को और बेहतर करना, इम्प्रूव करना, और साथ ही डॉक्टरी सुविधा, अगर बीमारी है कोई, इन्फेक्शन कुछ ऐसा हो गया तो उनको
इस तरह की जो वेटनरीज कौन होते हैं, वेटनरेरियन कौन होते हैं, दीज आर दी डॉक्टर्स ऑफ एनिमल्स, तो उस तरह की हेल्प उनको पहुंचाना, वेट केयर उनको देना डिजीजेस में, यू नो एक्सीडेंट्स के टाइम पर किसी भी वजह से. हाँ जी, इट ऑल्सो एम्स एट मेंटेनिंग हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ टेम्ड एलिफेंट्स. नाउ ये केवल एलिफेंट इन वाइल्ड में नहीं बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर ये बात भी कर रहे हैं कि जो भी टेम्ड या डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स हैं जिनको लोग अपने घरों में रखते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस एंड प्रोसेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, उनकी भी हेल्थ केयर का ध्यान रखना और उनकी ब्रीडिंग का भी ध्यान रखना. तो ये सब भी इसके उद्देश्य हैं प्रोजेक्ट टाइगर के. तो ये केवल प्रोजेक्ट एलिफेंट मेरे मुंह से टाइगर निकल रहा है, तो इट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट. प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य केवल जंगलों में रहने वाले जो एलिफेंट्स हैं उनको संरक्षित सुरक्षित नहीं करना, उन्हीं के लिए काम नहीं करना है, बट ऑल्सो फॉर दी एलिफेंट्स विच आर टेम्ड, विच आर कैप्टिव, जो कैप्टिविटी में है, डोमेस्टिकेटेड है, उनकी भी ब्रीडिंग और हेल्थ केयर का ध्यान रखना, इसके अंडर ही ये एम है. ठीक है, इसके अलावा एलिफेंट कॉरिडोर्स पर भी काम किया गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? ये नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड होती हैं जो दो लार्ज एलिफेंट हैबिटेट को कनेक्ट करती हैं, जहां पे वो ट्रैवल करते हैं. एलिफेंट कॉरिडोर्स आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड. इधर एलिफेंट हैबिटेट है, मतलब जंगल हो गया, इधर एलिफेंट हैबिटेट है. तो एलिफेंट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना. तो ये जो ये रास्ता, जो पैसेज है, दिस पैसेज इज बेसिकली व्हाट? द कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, जहां पे एलिफेंट ट्रैवल करे. तो अगर इसके बारे में फैक्ट्स देख रहे हो तो आई हैव गिवन यू दिस थिंग. अभी फिलहाल इंडिया में 110 एलिफेंट कॉरिडोर्स को स्टैब्लिश किया गया है देश भर में, जिसमें से 25 सेंट्रल इंडिया में है, 28 साउथ इंडिया में है, 23 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, 23 वेस्ट बंगाल में है और 11 नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में किए गए. यस बेटा ठीक है. एलिफेंट कॉरिडोर्स आर वेरी क्रूशियल टू रिड्यूस एनिमल फर्टिलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स एंड अदर रीजंस. इन कॉरिडोर्स का इंपॉर्टेंस, मतलब इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है, ताकि लोगों का इंक्रोचमेंट ना हो यहाँ पे और इनकी एक्सीडेंट में इनकी डेथ ना हो जाए, फर्टिलिटीज ना हो जाए, इन सब चीजों को से बचाने के लिए कॉरिडोर्स मेंटेन किए जाते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड कॉरिडोर्स. हाँ जी, गलियारे. यस, गलियारे. बिटवीन 1987 एंड जून 2017 अप्रोक्सीमेटली 265 एलिफेंट्स वर किल्ड बाय ट्रेन एक्सीडेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन तो है ही ना, तो ऐसे वो ट्रैवल कर रहे हैं, सीधा होता है एलिफेंट, ट्रेन एक्सीडेंट से मरे हैं, तो ये इंश्योर करना कि इसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, इसके लिए कॉरिडोर्स बनाए गए. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आपके पास ये पूरा चार्ट आ जाएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगर ये तो हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, इसके अलावा और क्या हमने कहा था? अवेयरनेस, जागरूकता लाना, लोगों को पढ़ाना, एजुकेशन इम्पार्ट करना इससे संबंधित, ये भी तो चीजें करनी है. तो इसके अलावा क्या एफर्ट्स किए गए हैं? जैसे गज यात्रा. गज यात्रा एक राष्ट्र नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स. इट वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे इन 2017 में गज यात्रा करके पूरे राष्ट्रीय भर का एक कैंपेन चलाया गया एलिफेंट्स को बचाने के लिए. ठीक है, द कैंपेन इज प्लान टू कवर 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स. 12 जो एलिफेंट रेंज वाले स्टेट्स हैं उनको कवर करेगा. और इसका उद्देश्य क्या था? अभी भी चलता है, मतलब ये चल रहा है, एलिफेंट डे पर होता है. एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एलिफेंट कॉरिडोर्स टू एनकरेज फ्री मूवमेंट इन द हैबिटेट. तो क्या करना है इसमें? लोगों को जागरूकता पैदा करनी है लोगों के अंदर, और ये इंश्योर करना कि भाई एलिफेंट्स अपने हैबिटेट में फ्रीली मूव कर पाए बिना किसी डर के, एक्सीडेंट्स के, किसी भी चीज के. ठीक है, चलिए. दिस विल बी डन लेटर गाइज, दिस इज नॉट इंक्लूडेड हियर. वैसे एक्चुअली हाँ, माइक में मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था ये, जिसमें मॉनिटर किया जाता है. मैंडेटेड बाय सीओपी रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स. साइट्स का एक रेजोल्यूशन था. साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा.
तो माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था साउथ एशिया में 2003 में, इसका उद्देश्य क्या था? बेटा हिस्ट्री क्लास में कैसे हैं? हिस्ट्री क्लास तो नहीं चल रही है बच्चे अभी? आप लोग प्लीज लाइक करते रहिए प्लीज सेशन को। तो इसमें इसका पर्पस क्या था माइक का? माइक इज व्हाट? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, इलीगल किलिंग में एलिफेंट्स, क्योंकि उसको इंश्योर करना है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एलिफेंट रेंज स्टेट्स टू मेक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एनफोर्समेंट डिसीजंस, जैसे प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट यू नो एलिफेंट, ऐसे माइक ने काम किया कि कैसे बचाया जा सकता है इन सभी राज्यों में। साइट्स क्या है? साइट्स के बारे में बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। चलिए इसी के साथ साथ एक और प्रोग्राम था हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा, किसके साथ पार्टनरशिप में? विद पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के साथ पार्टनरशिप में, जिसमें क्या किया गया है कि इसके संरक्षण को और इसके वेलफेयर के लिए, इसके संरक्षण और इसके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि एलिफेंट क्या है? एलिफेंट इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है, राष्ट्रीय धरोहर पशु है, ठीक है। तो इसलिए हाथी मेरे साथी भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। नाउ वी हैव वल्चर्स। वल्चर्स काफी ज्यादा न्यूज में थे, चर्चाओं में रहे हैं, इनके संरक्षण को लेकर काफी बात हुई है। इंडिया में एट प्रेजेंट 9 स्पीशीज पाई जाती हैं वल्चर्स की इन वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगलों में। कौन कौन सी स्पीशीज हैं बच्चों? वाइड रम्प्ड वल्चर, इनका IUCN स्टेटस है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। देन स्लेंडर बिल्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये 9 प्रजातियां हैं जो गिद्धों की पाई जाती हैं देश में विद IUCN स्टेटस। इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड। हिमालयन ग्रिफिन नियर थ्रेटेंड। साइनोरियस वल्चर नियर थ्रेटेंड। बियर्ड वल्चर नियर थ्रेटेंड। ग्रिफिन वल्चर नियर थ्रेट लीस्ट कंसर्न। सो आपको क्या करना है, इन सभी को गूगल करना है और इनकी शक्लें देखनी है, पिक्चर्स देखनी है, इमेजेस देखनी है सभी की, ठीक है। सभी वल्चर्स की इमेजेस चेक कीजिएगा। हैबिटेट कहां पर होता है इनका? तो हैबिटेट इनका प्रेफर्ड हैबिटेट क्या है वल्चर्स का? डेजर्ट सवानास और ग्रासलैंड्स, जहां पे पानी का सोर्स हो। जनरली कहां पाए जाते हैं वल्चर्स गिद्ध? ऐसी जगहों पे जहां या तो डेजर्ट हो, ड्राई हो, सवानास हो या ग्रासलैंड्स हो, जहां पानी के गिद्ध। वल्चर्स गिद्ध। बाज इज ईगल। इट ऑल्सो इनहेबिटेड्स ओपन माउंटेन रेंजेस अप टू 3000 मीटर्स अबव सी लेवल। और ये कुछ माउंटेन रेंजेस में भी पाया जाता है, लेकिन कितने ऑल्टीट्यूड पे? अप टू 3000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड ऊंचाई होता, बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर नहीं मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, काफी अच्छी जगह पर मिलते हैं, लेकिन ये पूरे विश्व स्तर में। बट ये एबसेंट है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से और कुछ ओशियनिक आइलैंड से, ये वहां पर नहीं मिलते, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वल्चर कैसा होता है? वल्चर इज मीडियम टू लार्ज साइज बर्ड्स ऑफ प्रे। ये प्रे करते, शिकार करते हैं। इनको कहा जाता है ईटिंग कैरियन। ईटिंग कैरियन मतलब नोन फॉर ईटिंग कैरियन। कैरियन क्या होता है? कैरियन इज द डेड रिमेन्स ऑफ बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। जो एनिमल मर जाते हैं उनकी जो बॉडीज होती हैं उनको, उन पर ही अपना, उनका ही शिकार करते हैं, कैरियन बोलते हैं उसको। हैवी बॉडी एंड हंज ओवर स्टांस, भारी शरीर भी होता है। कई बार इनके फेदर्स बहुत शैगी दिखेंगे, जो मतलब एकदम बिखरे हुए दिखेंगे, जो नॉर्मली अदर बर्ड्स में नहीं दिखते हैं, लूजर देन अदर बर्ड्स। डल ब्राउन और ब्लैक बॉडी होती है इनकी, शरीर का जो कलर है वो कैसा? डल ब्राउन या ब्लैक कलर में दिखते हैं। कई बार बॉल्ड हेड होते हैं, मतलब सर पे बाल नहीं होते बिल्कुल भी इनके। समटाइम्स बॉल्ड थ्रोट, कई बार गले पर बाल नहीं होते, रुआ नहीं होता, जिससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। तो कुछ वल्चर्स जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जोन में मिलेंगे, वो दे कैन हैव बॉल्ड हेड और बॉल्ड थ्रोट। तो मैंने आपको कहा है कि आपको पिक्चर्स देखनी है, आपको पता लग जाएगा। ब्रॉड विंग्स, चौड़े पंजे होते हैं, चौड़े पंजे नहीं सॉरी विंग्स होते हैं इनके,
पंख होते हैं चौड़े, क्योंकि इनको फ्लाइट ऊपर जाते हैं, ऊपर आसमान में जाते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स देम व्हेन दे आर सोरिंग द स्काई सर्चिंग फॉर फूड, जब ये आसमान में ऊपर उड़ रहे होते हैं किसकी तलाश में, खाने की तलाश में। खाना क्या है इनका, डेड एनिमल्स। बिहेवियर कैसा होता है, ये सर्कल्स में घूमते हैं, ग्रुप में सर्कल्स में घूमते हैं अबव द अर्थ सर्फेस, ठीक है। दे यूज द राइजिंग एयर करंट्स टू मेंटेन द एलिवेशन, और जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है ना उसका इस्तेमाल करके और आसमान में ऊपर तक ऊंचाई तक जाते हैं। बहुत तेज नजर होती है, आपने वो मुहावरा सुना है गिद्ध सी नजर, बहुत इतनी ऊंचाई से भी अपने शिकार को पहचान लेते हैं, होते ना गिद्ध सी नजर का मुहावरा, नहीं पढ़ा आपने कभी स्कूल में, पढ़ा होगा गिद्ध जैसी नजर, तो बहुत ऊंचाई पे भी से दिख जाते हैं इनको, ऊंचाई पे जाते हैं और करंट, हवा का जो करंट है ऊपर जाता हुआ उसको इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए आसमान में। अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो ज्यादातर वल्चर्स हैव अ ब्रॉड फूड हैबिट, काफी विस्तृत फूड हैबिट है। दे विल कंज्यूम कैरियन, मतलब डेड एनिमल्स, गार्बेज कचरा या फिर एक्सक्रीमेंट ऑल्सो, मतलब जो वेस्ट होता है ना बॉडीली वेस्ट उसको भी खाते हैं, बट रेयरली दे प्रे ऑन लिविंग लाइव एनिमल्स, रेयरली, दे आर बेसिकली एक तरह से यू नो डीके पर, डिकेड मैटर पर फीड करते हैं, और ये लाइव एनिमल्स को रेयरली खाते हैं, रेयरली, बहुत ही कम ओकेजन है जहां पे दे टेक हेल्पलेस प्रे, जहां पे ये जीवित प्राणी है जैसे लैम्स, बकरी का बच्चा, टॉर्टोइज और न्यूबॉर्न काफ्स, जो छोटे छोटे जीव हैं उनको मार देते हैं, बहुत ही रेयर, लिविंग पे नहीं फीड करते, दे फीड ऑन डेड रिमेन्स। हां जी ठीक है। थ्रेट्स क्या है, इनको क्या खतरा है, इसके बारे में बात करते हैं। पॉइजन, वल्चर क्या है, जो मरे हुए एनिमल्स हैं उन पर फीड करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो हर्बीवोर्स हैं जैसे कैटल्स, डियर या कोई भी और एनिमल, उनका मेन फूड सोर्स है, तो कई बार ये जो एनिमल्स हैं ये इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, इनमें मतलब पॉइजन कंटामिनेशन आ जाता है विद पेस्टिसाइड, क्योंकि ये तो हर्बीवोर्स है ना, तो जो जो इन्होंने घास खाई होगी, जो ये खेतों में गए होंगे वहां पे हर्बिसाइड होगा, पेस्टिसाइड होगा, या कोई मेडिकेशन, मेडिकेशन इज अ स्पेसिफिक मेडिकेशन विच इज कॉल्ड डाइक्लोफेनेक, जो कि कैटल को दिया जाता है, ठीक है, उनकी अगर बॉडी पे रिमेन, यस यस, इस तरह के किसी भी चीज पे डाइक्लोफेनेक कैटल्स को दिया जाता है या फिर कोई और टॉक्सिन्स, तो वल्चर्स जब इन इन डेड बॉडीज पर फीड करते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स हैं वो इनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड दैट बिकम्स अ कॉज फॉर देयर डेथ, ठीक है। तो जो दवाई का काम कर रही है कैटल पर, वो इनके लिए जहर का काम करती है, और इसके बाद इनको प्रोटेक्शन का एक दिन के बारे में सोचा गया, जब देखा गया ना कि वल्चर की पॉपुलेशन घटती जा रही है, तो आइडेंटिफाई किया गया कि डाइक्लोफेनेक इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कैटल्स को डाइक्लोफेनेक देना बंद कर दिया, ठीक है। लेड पॉइजनिंग हो सकती है, प्रोसिक्यूशन लोग मार देते हैं, व्हीकल कोलिजन, टकरा सकते हैं व्हीकल से, उससे मर जाते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन, जो तारे होती है ना बिजली की, उनसे टकरा कर मर जाते हैं, स्टारवेशन, खाना नहीं मिलेगा, देन ऑल्सो दे कैन डाई, दीज आर दी थ्रेट्स दे हैव। कंजर्वेशन इनिशिएटिव, इनको बचाव के लिए क्या क्या किया गया, देश में क्या किया गया बच्चों, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW ने अप्रूव किया है एक एक्शन प्लान फॉर वल्चर्स कंजर्वेशन 2022-2025, पांच साल का एक प्लान स्टार्ट किया गया है, अप्रूव किया गया है एक एक्शन प्लान, DDT से इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए, किसके द्वारा किया गया है, NBWL के द्वारा, ठीक है। क्या इसमें उद्देश्य क्या होगा, क्या हाईलाइट्स है इस प्लान की, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, देश के कुछ राज्यों में जहां पे वल्चर्स की पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है वहां पे वल्चरों को, गिद्धों को संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से राज्य हैं, UP, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांच राज्यों में,
इन पांच राज्यों में वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। वल्चर सेफ जोन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट वन वल्चर सेफ जोन इन ईच स्टेट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेमिनेंट पॉपुलेशन इन द स्टेट। हर राज्य में कम से कम एक वल्चर सेफ जोन स्टैब्लिश किया जाएगा जहां से जो भी इनकी पॉपुलेशन गिर रही है उसको बचाया जा सके किसी भी राज्य में, ठीक है। मिनिमम एक होना चाहिए, करेक्ट। रेस्क्यू सेंटर्स, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा ना। तो अब ये इंश्योर करने के लिए कि पॉपुलेशन और ज्यादा ना घटे, रेस्क्यू सेंटर्स खोले जाएंगे वल्चर्स के लिए। स्पेशली चार सेंटर्स की बात की गई है, कहाँ कहाँ कर? पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम और हैदराबाद तेलंगाना। इन चार राज्यों में चार रेस्क्यू सेंटर्स खोले जाएंगे। दे आर करंटली नो डेडिकेटेड रेस्क्यू सेंटर्स फॉर ट्रीटिंग वल्चर्स। फिलहाल देश में कोई भी रेस्क्यू सेंटर्स नहीं है जहां पे वल्चर्स को ट्रीट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिक ड्रग्स, एक सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि ऑटोमेटिकली ऐसी ड्रग्स जो कि जिनका वेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेटरिनरी इस्तेमाल जिन ड्रग्स का होता है, जो कि कैटल को या किसी एनिमल को दी जाती है और उनके डेड रिमेन्स पे जब ये फीड करेंगे तो इनकी बॉडी में टॉक्सिन जाएंगे, तो ये प्रयास किया जाएगा, एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि इनको खत्म किया जाए, इन ड्रग्स का यूसेज, ये ड्रग्स ना इस्तेमाल की जाए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, इनकी सपोर्ट्स, ठीक है, उन ड्रग्स को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। साथ में वल्चर सेंसर्स लाया जाएगा। अब हमने समस्या, हम ये सब भी करें तो साथ में ये भी देखना होगा कि ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, कितनी बढ़ रही है, इस पे भी काम किया जाएगा। कैसे? कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड वल्चर काउंटिंग इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक नेशन वाइड वल्चर काउंटिंग की जाएगी। किसकी? उसमें क्या क्या होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होंगे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी होगी, एक एनजीओ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडेड होंगे, नॉन प्रॉफिट्स एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक, जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वल्चर पॉपुलेशन को काउंटिंग के लिए, उनके साथ मिलकर किया जाएगा। इससे क्या होगा, एक एक्यूरेट एस्टिमेट लग जाएगा हमें कि फिलहाल देश में कितना, व्हाट इज द साइज ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन द कंट्री, एग्जैक्टली कितनी पॉपुलेशन है देश, ठीक है। डेटाबेस ऑन थ्रेट्स ऑफ वल्चर, इसके साथ साथ एक डेटाबेस ऑन इमर्जिंग थ्रेट्स टू वल्चर कंजर्वेशन इंक्लूडिंग कोलिजन एंड इलेक्ट्रोक्यूशन एंड अनइंटेंशनल पॉइजनिंग, इसको लेके एक डेटाबेस बनाया जाएगा कि कितने वल्चर्स कोलिजन से टकरा कर मरते हैं, एक्सीडेंट से, या तारों से मर जाते हैं, बिजली की तारों से, या फिर टॉक्सिक पॉइजनिंग से मरते हैं। इसका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा देखने के लिए कि कैसे इसको बचाया जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल गाइज अबाउट वल्चर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। एवरीबडी इन द क्लास, टुमोरो 9:45 AM क्लास का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई हैव अ टेस्ट, स्टैटिक टेस्ट, जिसमें हम इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। उसको जाके एनरोल कर लो, अगर आप पहली बार जा रहे हो तो जस्ट यूज माई कोड NDLIFE10 टू एनरोल एंड अटेंड दिस सेशन। ऑल्सो आई विल सी टुमारो इफ आई विल नॉट हैव अ क्लास एट 8 PM हियर, अगर मेरी क्लास यहाँ पे 8 बजे नहीं होगी तो आई माइट हैव इकोलॉजी एनवायरमेंट के क्वेश्चंस। जितना टॉपिक हम कर चुके हैं, जितना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इकोलॉजी एनवायरमेंट का, उसके क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे एक छोटी क्लास कर लूंगी, वी कैन हैव अ क्लास एट 9 PM देयर, आई विल टेल यू अकॉर्डिंगली फॉर टुमारो। लेकिन सुबह वाली क्लास के लिए एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कोड, यूज करना NDLIFE10। इसी के साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं ले पा रहे हैं बच्चों, तो अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी देता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमम पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है आपकी सहूलियत के हिसाब से। आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आइकॉनिक में आपको एक लाइव मेंटोर मिलता है, स्टडी प्लानर, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपकी होती है, साथ में सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाना है और यूज करना है मेरा कोड NDLIFE10 टू गेट 10% डिस्काउंट, 10% मिनिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो माई सपोर्ट इन योर प्रिपरेशन। इसी के साथ साथ आप ऑप्शनल के लिए भी मेरा कोड यूज कर सकते हो। बेसिकली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद
अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर जाओगे और आपसे कोई भी एक्सेस कोड इनवाइट कोड मांगा जाएगा तो यू कैन यूज माय कोड अन अकेडमी पर। अगर आपसे कहीं पर भी कोई एक्सेस कोड इनवाइट कोड मांगा जाता है, आप इस कोड का इस्तेमाल करके अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के जो भी फ्री फीचर्स हैं उनको अवेल कर सकते, फ्री क्लासेस, टेस्ट, कॉम्बैट एटसेट्रा। ठीक है, बैचेस 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, एनसीईआरटी बैच एंड 22-23 प्रिपरेशन बैचेस। टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एज आई टोल्ड यू, इस कोड के साथ एनडी लाइव 10 के साथ। प्लेटफॉर्म पे जो भी चीजें फ्री हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं, जहां भी आपसे एक्सेस कोड इनवाइट कोड मांगा जाए। ठीक है, तो आप जो चीजें फ्री में अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगी। कॉम्बैट होता है हर संडे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा उसका। इसके साथ टेस्ट सीरीज होती है, करंट टेस्ट सीरीज 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, एंड अभियान होता है 10 बजे सुबह स्टैटिक क्विज। कोड इज NDLIFE10। दिस इज द टेलीग्राम चैनल गाइस, 10% डिस्काउंट इस टेलीग्राम चैनल, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और मेरा सपोर्ट आपको रहेगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड यू इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कल सुबह की क्लास में आना मत भूलिए। टुमारो इन द मॉर्निंग 9:45 वी हैव अ टेस्ट, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, एंड वी विल हैव अ टेस्ट इन द इवनिंग, इकोलॉजी एनवायरमेंट क्वेश्चंस, स्पेशली इकोलॉजी एनवायरमेंट क्वेश्चन, सो वी कैन हैव अ टेस्ट एट नाइट ऑल्सो टुमारो 9 PM आफ्टर दिस क्लास। आई विल टेल यू एंड शेड्यूल एंड टेल यू दिस, I'll give you the link also tomorrow in the class. Anybody else? Anybody has a question, query? All right then. Take care. Good night. Guys, this is my class schedule for tomorrow abhi, and I'll be scheduling a class for 8 p.m. Sorry, 9 p.m. we can have a environment questions. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।